दोस्तों नमस्कार फंडामेंटल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग के कंटेंट्स में हमने डी वैल्यू जी वैल्यू एफ वैल्यू का कंसेप्ट को पढ़ा और फिर ये देखा कि भाई डी वैल्यू जी वैल्यू को एफ वैल्यू को आपस में कैसे कोरिलेट हम लोग करते हैं और किस प्रकार से न्यूमेरिकल अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्या रीजंस होते हैं कि जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम कंडीशन में हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रिजर्व रह जाती है और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम कंडीशन में न्यूट्रिशनल वैल्यू का नुकसान होता है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से फ्लरिश कर जाते हैं तो इन सब चीजों के बारे में हमने कुछ पिछले वीडियो में देखा थर्मल प्रोसेसिंग को पढ़ते हुए यदि हम पॉस्चराइजेशन स्टरलाइजेशन ब्लाचिंग की बात नहीं करेंगे तो बहुत सी चीजें अधूरी रह जाएंगी तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई ये पॉस्चराइजेशन ब्लाचिंग और स्टरलाइजेशन होते क्या है इनका कंसेप्ट क्या है इनकी डेफिनेशंस क्या है और फिर इसकी डेफिनेशन को याद रखने का क्या तरीका है कि हम इसको सही तरीके से याद रख सकते हैं मॉडर्न इरा में ये डेफिनेशन कैसे बदलती जा रही हैं और हमको बदलती डेफिनेशन को अपनाने की जरूरत है किस प्रकार से उन नई डेफिनेशन को हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा तो इस सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे तो दोस्तों मेरा नाम है एस के शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मैं डरना बात कर रहे थे पॉस्चराइजेशन ब्लाचिंग और स्टरलाइजेशन की कि थर्मल प्रोसेसिंग को पढ़ते हुए यदि हमने पॉस्टराइजेशन ब्लाचिंग स्टरलाइजेशन को डिफाइन नहीं किया तो वो इनकम्प्लीट रह जाता है क्या कंसेप्ट है पॉस्टराइजेशन का क्या टारगेट हम लोग करते हैं ब्लाचिंग में और स्टरलाइजेशन इन दोनों से कैसे डिफरेंट है क्या इन सभी चीजों को डिस्कस करते वक्त टेम्परेचर का डिस्कशन करना जरूरी है टेम्परेचर टाइम रिलेशनशिप को भी जिक्र करना जरूरी है क्या उसके बगैर भी हम इन सब चीजों को डिफाइन कर सकते हैं बदलते समय में मॉडर्न इरा के साथ जैसे जैसे नए प्रोसेसिंग मेथड्स आ रहे हैं नॉन थर्मल मेथड्स आ रहे हैं तो क्या ये डेफिनेशंस भी अपडेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं इनको अपडेट करने की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है इन सब चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे तो कंपेयर करेंगे पास्राइजन ब्रांचिंग स्टरलाइजेशन को और एक करेक्ट और मोस्ट फिजिबल डेफिनेशन बहुत सरल तरीके से एक ऐसे मेथड को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी डेफिनेशन क्रिएट करी जा सकती है इन सब चीजों को सीखेंगे आज के वीडियो में दोस्तों शुरू करते हैं थर्मल प्रोसेसिंग से जब भी हम कभी वर्ड थर्मल प्रोसेसिंग यूज करते हैं तो थर्मल वर्ड आते ही हमारे माइंड में आता है कि एप्लीकेशन ऑफ हीट बिल्कुल सही है कि थर्मल प्रोसेसिंग जब भी यूज करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ हीट तो होगा ही होगा डेफिनेटली देयर विल बी सम एप्लीकेशन ऑफ हीट व्हेनेवर यू डिस्कस द थर्मल प्रोसेसिंग लेकिन उसका टारगेट क्या है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको समझना जरूरी है तो लार्जली हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं जब भी हम कभी थर्मल प्रोसेसिंग की बात करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है फूड प्रिजर्वेशन कि भाई हम लोग चाहते हैं कि अपने फूड की शेल्फ लाइफ को एनहांस करें और फूड प्रिजर्वेशन के कंटेक्ट में हम लोग थर्मल प्रोसेसिंग को यूज करते हैं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तीन ऑप्शंस हमारे पास आते हैं एक 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 कि ये तीन ऑप्शन रहती है जब हम लोग थर्मल प्रोसेसिंग टर्म का यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अब वो प्रिजर्वेशन कैसे है कितने कंटेक्स तक है और क्या उसको सही से प्रिजर्वेशन बोलना अप्रोप्रिएट भी है कि नहीं है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि पहला ऑब्जेक्टिव होगा फूड प्रिजर्वेशन दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है चेंजेस इन द टेक्सचर अरोमा या फिर कोई दूसरे ही रीजन जिसकी वजह से हम लोग थर्मल प्रोसेसिंग कर सकते हैं और वहां पे भी एप्लीकेशन ऑफ हीट करेंगे जैसे कि बेकिंग बेकिंग में आपने देखा होगा टेक्सचर चेंज होता है माइक्रो ऑर्गेनिम को मारना वहां पे हमारा टारगेट नहीं रहता फ्राइंग फ्राइंग में भी टेक्स्चर चेंज करना वाटर को रिप्लेस करना ऑयल से और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर डेवलप करना वो फ्राइंग का ऑब्जेक्टिव रहता है सिमिलरली रोस्टिंग का भी ऑब्जेक्टिव ये रहता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना इसका नहीं ऑब्जेक्टिव है रोस्टिंग के दौरान भी अलग अलग प्रकार के डेवलप होते हैं और टेक्सचर्स भी डेवलप होता है कुकिंग एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें हम अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट्स uh, देते हैं चाहे वो इन uh, वाटर हो इन ऑयल हो हाई uh, टेम्परेचर हो लो टेम्परेचर हो कंटिन्यूस हीट हो लॉन्ग टर्म हीट एप्लीकेशन हो ये बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है कुकिंग डाइवर्स और वर्ष है लेकिन वहां पे भी हमारा ऑब्जेक्टिव लार्जली फूड प्रिजर्वेशन नहीं होता है कुछ और हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है बॉइलिंग का जब हम टर्म यूज करेंगे तो वहां पे भी ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है तो कुल मिलाकर अगर थर्मल प्रोसेसिंग को समझेंगे कि दो पर्पस है, या तो फूड प्रिजर्वेशन यानी कि किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेज एनहांसमेंट ऑफ शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शेल्फ लाइफ या फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है चेंजेस इन द टेक्सचर टेक्सचर को चेंज करेंगे या अरोमा को डेवलप करेंगे कलर्स फ्लेवर्स को डेवलप करेंगे तो ये सारे रीजन में भी हम लोग हीट एप्लीकेशन करते हैं ये भी थर्मल प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन है जिसमें कि बेकिंग फ्राइंग रोस्टिंग कुकिंग बॉइलिंग इस प्रकार के मेथड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं लेकिन आज के वीडियो के कंटेक्स में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे द पॉस्चराइजेशन ब्रांचिंग एंड स्टरलाइजेशन तो भाई पॉस्चराइजन ब्रांचिंग स्टलाइजेशन को समझने के लिए अगर हम लोग उसको कंपेयर कर दें ना तो ये बहुत ही एक सरल तरीका है कि उसके बाद आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी डेफिनेशन बनाना भी आसान हो जाएगा हम लोग आगे जाके देखेंगे कि अगर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली कर पाते हैं तो हम लोग डेफिनेशन भी क्रिएट कर पाएंगे और हमको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग याद बिना रखे उसकी डेफिनेशन को खुद से क्रिएट कर सकते हैं तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग पॉस्चराइजेशन स्टरलाइजेशन ब्रांचिंग को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो क्राइटेरिया सबसे पहले डिफाइन करते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया अगर हम लोग मानेंगे कि किस टाइप का फूड है जिसको कि हम लोग पॉस्चराइज कर सकते हैं पॉस्चराइज लार्जली लिक्विड फूड को कर सकते हैं वी डोंट नॉर्मली पॉस्चराइज द सॉलिड्स वी पॉस्चराइज द लिक्विड फूड्स सिमिलरली वी डोंट ब्लांच लिक्विड्स वी ब्लांच द सॉलिड्स और द पार्टिकुलेट्स स्टरलाइजेशन कैन बी डन इन बोथ सॉलिड्स एज वेल एज इन द लिक्विड फूड सॉलिड लिक्विड दोनों के लिए हम लोग स्टर्लाइजन टर्म यूज कर सकते हैं लेकिन पॉस्चराइशन जबकि टर्म हम लोग यूज करते हैं फिर वो लिक्विड फूड है चाहे मिल्क हैं चाहे जूस है हैं, हैं, उनको हम लोग पॉइराइज करते हैं तो पहला तो क्राइटेरिया हो गया फूड टाइप कौन सा है लिक्विड इन केस ऑफ पॉइचराइजेशन सॉलिड और पार्टिकुलर्स इन केस ऑफ ब्रांचिंग और स्टरलाइजेशन केस के में दोनों ही हो सकते हैं सेकंड क्राइटेरिया विल बी द टेम्परेचर एट विच आई वॉन्ट टू हीट इट सो टेम्परेचर आर जनरली लेस देन हंड्रेड आप देखिए लेस देन हंड्रेड जैसे मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं सिक्सटी टू पॉइंट फाइव फॉर थर्टी मिनट्स या सेवेंटी वन पॉइंट सेवन फॉर फिफ्टीन सेकंड एलटी एलटी प्रोसेस है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव पे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस है सेवेंटी वन पॉइंट सेवन पे तो इस टाइप से नाइन्टी डिग्री सेल्सियस फॉर टेन सेकंड इन ने अपनी किताब में लिखा है सिट्रस सिट्रस जूस प्रोसेसिंग के लिए हम लोग अगर में पॉस्चराइजन करना है तो नाइन्टी फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर टेन सेकेंड्स इस प्रकार से हंड्रेड डिग्री से कम टेम्परेचर्स में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग टाइप के लिक्विड फूड्स के लिए अलग अलग पॉस्चराइजन टम्परेचर डिफाइंड है मिल्क का इसमें हम स्पेसिफिकली बहुत जिक्र करते हैं क्योंकि बेसिस हम लोग वहीं से शुरू करते हैं कॉक्सिलिया कॉक्सियला बर्नेटिको जो इनएक्टिवेट करने के लिए टेम्परेचर है सो so, इसके लिए हम लोग बेसिकली वहां से प्रोसेस सेवेंटी वन पॉइंट सेवन फॉर फिफ्टीन सेकंड एस प्रोसेस इस तरीके से डिफाइन करते हैं लेकिन टेम्परेचर 100 से कम ही अगर ब्लाचिंग की बात करते हैं तो ब्लाचिंग अप्रोसीमेटली हंड्रेड डिग्री एट अबाउट हंड्रेड डिग्री हम लोग करते हैं फिर वो चाहे बॉइलिंग वाटर में हो चाहे स्टीम में हो हंड्रेड के आसपास का टेम्परेचर होता है ब्लाचिंग के लिए और अगर टेम्परेचर हंड्रेड है या हंड्रेड से ज्यादा है तो उस प्रकार की स्थिति में हम लोग स्टरलाइजेशन तो दूसरा क्राइटेरिया हो गया टेम्परेचर की टेम्परेचर के बेसिस पे लेस देन हंड्रेड अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड एंड मोर देन हंड्रेड इन केस ऑफ स्टरलाइजेशन तो ये सेकंड क्राइटेरिया थर्ड जो मेथड है थर्ड क्राइटेरिया है दैट इज द मेथड ऑफ हीट एप्लीकेशन हीट एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग हाउ इज द हीट बींग अप्लाइड तो पॉस्चराइजेशन के केस में ये बड़ा ही स्पेसिफिक और बड़ा ही स्पेसिफिकली uh, मैंशन नहीं है कि हीट अप्लीकेशन कैसे करनी है आप डायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हैं आप इनडायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हैं आप स्टीम से भी कर सकते हैं आप बॉइलिंग वाटर में भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट जो प्रोडक्ट uh, है उसी को ही आप फ्लेम पर रख सकते हैं तो इस प्रकार से बहुत सारे मैथड्स हो सकते हैं पॉस्चराइजेशन के आप सील करके भी कर सकते हैं आप बिना सील कर भी कर सकते हैं कंटेनर को डिपेंडिंग अपॉन द मेथड एंड डिपेंडिंग अपॉन द शेल्फ लाइफ यू वॉन्ट टू टारगेट लेकिन जब ब्लाचिंग की बात करते हैं तो दो ही मेथड्स आते हैं जनरली इन बॉइलिंग वाटर और इन स्टीम इन हॉट बॉइलिंग वाटर और इन स्टीम तो दो प्रकार के मेथड्स ब्लाचिंग में होते हैं जब स्टर्लाइशन की बात करते हैं तो स्टीम एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर और फिर जनरली कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू हम लोग स्टर्लाइशन करते हैं क्योंकि स्टर्लाइशन को हाई टेम्परेचर पे करना है तो इसलिए आपका वहां पे कन्वेक्शन होना बड़ा जरूरी है तो ये हुआ तीसरा क्राइटेरिया अब चौथे क्राइटेरिया पे आते हैं जो कि पर्पस है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लेंचिंग स्टरलाइजेशन और द पाश्चराइजेशन तो भाई अगर पाश्चराइजेशन की बात करें तो पाश्चराइजेशन का पर्पस है बेसिकली टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अ लेवल एट व्हिच दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट हेल्थ हजार्ड हमको कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करना है कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा पॉस्चराइजेशन में और उनका नंबर इस लेवल तक कम करना पड़ेगा कि वो एक सिग्निफिकेंट हेल्थ ना कॉज कर सके इस लेवल के रिडक्शन को हम लोग पॉस्चराइजेशन बोलते हैं आगे डिस्कस करेंगे कि भाई किस प्रकार से पॉस्चुराइजेशन को इस लेवल तक हम लोग डिस्कस करते हैं और अगर हम बात करते हैं ब्लचिंग की तो वहां पर इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स

हीट इज हीट हीट इज इनोसेंट मैं बार बार बोलता हूं कि भाई हीट तो हीट होती है हीट इनोसेंट है आपको क्या पता आप क्यों हीट कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं एंजाइम्स को टारगेट करूंगा हंड्रेड पे हीट करूंगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली मरेंगे मैं बता रहा हूं हो सकता है जितना पॉस्चुराइजन में मरेंगे उससे ज्यादा ही इनएक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा हंड्रेड एज कंपेयर टू पास्राइशन टेम्परेचर तो लेकिन टारगेट वो नहीं है टारगेट क्या है यहाँ पे बेसिकली टारगेट इज द एंजाइम एंजाइम्स आर द टारगेट इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स इज टारगेट ऑल दो देर में भी डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेजम एज वेल बट वी डोंट टारगेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ ब्लंचिंग के केस में इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स इज द ओनली टारगेट

क्या हमको तुरंत ट्रीटमेंट के बाद कूल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा तो भाई पॉस्टराइजेशन के केस में क्योंकि LT -LT प्रोसेस अगर यूज कर रहे हैं तो, तो एकदम से कूल करने की जरूरत नहीं भी है साठ डिग्री पे कर रहे हैं तो भी चलेगा लेकिन आ, अगर एस टी एस टी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कूल कीजिए और अगर साठ पे भी कर रहे हैं तो भी प्रेफरेबली अगर पॉसिबल है तो आप कूल कीजिए क्योंकि, क्योंकि कूलिंग करने से क्या होगा आप उस प्रोसेस को रोक देंगे और आपकी न्यूट्रिशनल जो डैमेज है वो नहीं होगा एलटीएलटी में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एलटीएलटी कंडीशन अगर मेंटेन रहेंगी तो माइक्रो ऑर्वीन तो सर्वाइव कर जाएंगे लेकिन न्यूट्रिशनल क्वालिटी

पार्टिकुलेट फूड्स में टेक्सचर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है अगर चिप्स की बात करेंगे अगर ड्राई किसी किसी फ्रूट की बात करेंगे तो वहां पे जाके टेक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर टेक्सचर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाया तो द क्वालिटी विल नॉट बी गुड सो दैट इज वाई इट इज असेंशियल टू मेंटेन द टेक्सचर ऑफ द सॉलिड्स एंड इन केस ऑफ ब्लाचिंग इट इज असेंशियल कूलिंग इज वेरी मच असेंशियल Similarly, in case of sterilization, because the heating temperature are very very high. Heating बहुत high temperature पे हो रही है इसलिए यहाँ पे भी sterilization बहुत जरूरी है लेकिन इसमें हम लोग क्यों कर रहे हैं To avoid burning, ताकि burning ना हो भाई अगर हम लोग 100 से 120 पे heat कर रहे हैं उसके बाद वहीं छोड़ देंगे तो भाई 120 पे आपने तो बंद कर दिया हीटिंग सिस्टम लेकिन 120 सौ बीस से धीरे 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 करके ठंडा होगा तो पहले 120 होगा फिर 115 होगा फिर 110 होगा फिर 105 होगा फिर 100 होगा फिर 95 फाइव हो तो उसको रूम टेम्परेचर आते आते तो कई घंटों लग जाएंगे इसका मतलब कई घंटों तक वो हाई टेम्परेचर पे है और ऐसी सिचुएशन में बर्निंग हो सकती है ऐसी सिचुएशन में चारिंग हो सकती है ऐसी सिचुएशन में फ्लेवर चेंजेस हो सकते हैं कलर चेंजेस होते हैं अनडिजायरेबल चेंजेस इन द प्रोडक्ट मे टेक प्लेस दैट इज वाई इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर

तो अब एक एक को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि भाई अब फिर डेफिनेशन क्या बनती है तो मैंने क्या किया कि जो उस पर्टिकुलर कॉलम का जो क्राइटेरिया था वो उठा लिया सामने रख दिया और अब इस क्राइटेरिया को देखते हुए हमको डेफिनेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं तो बड़ा सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा तो देखो अब इसमें क्या लिखा है लिक्विड फूड लिखा है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस लिखा है नॉट स्पेसिफिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हीटिंग हो सकती है रिड्यूस द नंबर ऑफोजेनिक माइक्रोजन टू लेवल दैट कॉन्स्टिट्यूट नो सिग्निफिकेंट हेल्थ

इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी फिजिबल मेथड से हम लोग दे सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ये हमने यहां से ले लिया इमीजिएट कूलिंग टू रिटेन न्यूट्रिय तो हम लोग फॉलोड बाई इमीजिएट कूलिंग टू रिटेन न्यूट्रिय को रिटेन करने के लिए हम लोग कूलिंग कर सकते हैं बट असेंशियली फॉलोड बाई नहीं दिखाई इसमें प्रेफरेबली प्रेफरेबली फॉलोड फॉलोड लिखा तो तो ये वर्ड को ध्यान देना है टू रिटेन तो आपने देखा कि हम लोग अगर क्राइटेरिया को याद रखते हैं तो प्रॉपरली किस प्रकार से डेफिनेशन बड़ी सुंदर डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो तो कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं कोई याद करने की जरूरत तो नहीं तो इस प्रकार से पॉस्चराइजन इज हीट ट्रीटमेंट गिवन टू लिक्विड फूड्स एट फूडरेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस बाय एनी फिजिबल मेथड इंक्लूडिंग स्टीम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट in order to reduce the number of any pathogenic microorganisms to a level at which they do not constitute a significant health hazard preferably followed by immediate cooling to retain the nutrients इस प्रकार से एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन पाश्चराइजेशन की हम लोग बड़े इजीली बड़ी सरलता से बना सकते अब आते हैं ब्लेंचिंग पे तो ब्लेंचिंग की भी डेफिनेशन ऐसे ही क्रिएट करेंगे तो इसका भी क्राइटेरिया मैंने जो टेबल बनाया था वहां से उठा लिया तो ब्लेंचिंग क्या किया था फूड टाइप क्या था सॉलिड और पार्टिकुलेट्स टेम्परेचर क्या था अप्रॉक्सिमेटली हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मेथड क्या थे इन बॉइलिंग वाटर और स्टीम पर्पस क्या था इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम और कूलिंग जरूरत थी हाँ, जरूरत थी इन ऑर्डर टू रिटेन द टेक्सचर तो ये पांचों चीजें हमने वहां से उठाई और अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं तो ब्लाचिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट फिर दोबारा से हमने वहीं से शुरू किया ब्लाचिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट गिवन टू सॉलिड अब देखिए डिफरेंस क्या है गिवन टू सॉलिड फूड वहां पाश्चाशन में क्या था लिक्विड फूड

अब चलते हैं स्टरलाइजेशन पे कि की डेफिनेशन भी हम ऐसे बनाएंगे उसी टेबल से हम लोग दोबारा से कंटेंट लाए सॉलिड और लिक्विड दोनों थे इसमें टेम्परेचर मोर देन हंड्रेड था स्टीम एज ए मीडियम लेकिन कन्वेक्शन हीटिंग होती है माइक्रो ऑर्गेम एंड वेरी points were there and we create a definition now एंड so sterilization is a heat treatment simple heat treatment hai given to solid or liquid dono ko de sakte hain solid or liquid लिक्विड at temperatures 100 degree or more सौ केस में फ्रूट्स के केस में हंड्रेड पे देते हैं फ्रूट जूसेस बेवरेजेस में और जो नॉन एसिड फूड में एक सौ बीस तक भी चला जाता है 115 से 120 तक 120 तक हम लोग में चले जाते हैं और फिर आगे एस टी एस टी प्रोसेस में या यू एस टी केस में एक सौ वन थर्टी भी जाते हैं लेकिन वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे क्या कैसे जाते हैं लेकिन फिलहाल हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और मोर ये हमने टेबल से उठा लिया एंड मोस्टली बाई स्टीम क्योंकि देखो 100 से ऊपर जाना है तो वाटर नहीं हॉट हो सकता है वहां पे तो स्टीम बनानी पड़ेगी प्रेशराइज करना ही पड़ेगा वाटर

को बहुत ही अच्छा लगेगा और यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल वेरी वेरी इजी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जामिनेशन में आप बहुत एक अच्छा इंप्रेसिव आंसर लिख पाएंगे तो भाई ये सारे के सारे मेथड्स में हमने हीट की बात करी लेकिन जो आजकल का जो सिस्टम चल रहा है दैट इज फॉर द नॉन थर्मल मेथड जो थर्मल मेथड्स हैं उसमें डिटेरिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशनल एंड सेंसरी क्वालिटीज हो जाता है हीट की वजह से सेंसरी इनको यूज करने की कोशिश की जा रही है फूड इज एट नियर रूम टेम्परेचर फूड को हम लोग लगभग लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास ही प्रोसेस करते हैं सो दैट देयर इज नो डैमेज टू द फूड बिकॉज ऑफ द हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट मटेरियल न्यूट्रिशियस मटेरियल जो हीट सेंसिटिव है उसको uh, वो कोई डैमेज ना हो एंड दे रिमेन इंटेक्ट इन द फूड फूड में वो इंटेक्ट रहे तो ये इसका बेसिक पर्पस है कि हमारे नॉन थर्मल मेथड्स अब नॉन थर्मल मेथड्स कौन से होते हैं तो जनरली जो हम लोग हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं थर्मल प्रोसेसिंग के साथ या उसके ऑल्टरनेटिव की तरह यूज कर सकते हैं तो दैट इज बेसिकली हाई प्रेशर प्रोसेसिंग द पल्स इलेक्ट्रिक फीड्स कोल्ड प्लाज्मा इेडिएशन जिसको कि हम लोग कोल्ड स्टोरेशन भी बोलते हैं देन देन अल्ट्रासोनिकेशन एंड यूवी टेक्नोलॉजी तो ये पांच छह मेथड्स हैं जिसको कि हम लोग इंटीग्रेट uh, भी कर सकते हैं थर्मल प्रोसेसिंग के साथ और उसके उसकेरिजन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू पॉस्चराइज फर्टिलाइज और डिफरेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लेकिन उसके एप्लीकेशन और उसके लिमिटेशन थर्मल प्रोसेसिंग मैथड्स की अलग अलग है लेकिन इन पे बहुत काम हो रहा है और आ, जो बहुत सारी स्टडीज हैं जो थर्मल प्रोसेसिंग थर्मल प्रिजर्वेशन की स्टडीज हैं माइक्रो ऑर्गेन की डिस्ट्रक्शन की स्टडीज हैं वो हो रही हैं और इनको धीरे धीरे कमर्शलाइज भी हो रहे हैं मेथड अब इंडस्ट्रीज आ रही है जहां पे नॉन थर्मल मेथड्स को भी कॉमर्शियल लेवल पे स्टरलाइजन पॉस्टलाइजन ब्रांचिंग के लिए यूज किया जा रहा है तो भाई अगर ऐसा है तो वी नीड टू अपडेट अवर डेफिनेशन अगर ये मेथड यूज करे जा रहे हैं इसका मतलब हमारी जो डेफिनेशन अभी जो हमने करी थी ब्रांचिंग पॉस्टराशन की उसको थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है इसको देखते हैं कैसे अपडेट कर सकते हैं बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हमने उस डेफिनेशन को अपडेट कर दिया तो द डेफिनेशन विल रिमेन सेम एंड द अपडेटेड वर्जन विल कम सो हेयर वी से दैट पहले हमने कहा था पॉस्चुराइशन इज ए हीट ट्रीटमेंट अब हम क्या बोल रहे हैं पॉस्चुराइजेशन इज एनी ट्रीटमेंट पॉस्चराइजन इज एनी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट नहीं बोला क्योंकि हीट भी हो सकती है और नॉन थर्मल भी हो सकते हैं अगर नॉन थर्मल हो सकती है तो भाई इट इज एनी ट्रीटमेंट एनी ट्रीटमेंट गिवन टू लिक्विड फूड्स लिक्विड फूड्स को हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेजम टू लेवल एट विच हैजर्ड ये हमारे पुराने डेफिनेशन में लिखा था हमने टेम्परेचर इसमें से फैक्ट्री हटा दिया और लिख दिया इसको एनी ट्रीटमेंट बस इतना चेंज किया तो डेफिनेशन हमारी अपडेट हो गई अपडेटेड डेफिनेशन इज देयर नाउ बट वी हैव टू डेफिनेटली है

अब बात करते हैं ब्लाचिंग की फिर दोबारा ब्लाचिंग क्या था इट वॉज अ हीट ट्रीटमेंट यहां हम क्या बोल रहे हैं ब्लाचिंग इज एनी ट्रीटमेंट ब्लाचिंग इज एनी ट्रीटमेंट गिवन टू द सॉलिड फूड्स और पार्टिकुलेट्स प्राइमरीली टू इनएक्टिवेट एंजाइम्स इनएक्टिवेट एंजाइम के लिए अगर हम लोग

Similarly, going to the sterilization definition of sterilization. So, sterilization is any treatment given to the solid or liquid foods to kill all the microorganisms. था सकते हो किसम की थर्मल प्रोसेसिंग का ही जिक्र था सिर्फ उसके अलावा कोई और मेथड का जिक्र नहीं था लेकिन जो नॉन थर्मल मेथड आ गए हाई प्रेशर प्रोसेसिंग पल्स इलेक्ट्रिक फीड्स अल्ट्रासोनिकेशन इन सब मैथड्स को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है लेकिन उसका चेंज नहीं होना चाहिए इसलिए हमने किया कि एनी ट्रीटमेंट गिवन टू द लिक्विड फूड एनी ट्रीटमेंट गिवन टू सॉलिड फूड एनी ट्रीटमेंट गिवन टू सॉलिड और लिक्विड फूड और फिर बाकी की चीजें वही रखी और थर्मल प्रोसेसिंग का जो कंपोनेंट है उसको लिखा इन द इवेंट ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग स्टरलाइजन क्या होगा ब्रांचिंग क्या होगा और पॉस्टुराइजन क्या होगा इन सब चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से यदि हम क्राइटेरिया डिफाइन कर पाए तो पॉस्टुराइशन स्टरलाइशन ब्रांचिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और उसको कोई भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और फिर फर्दर आपने ये भी देखा होगा कि आज के दिन में नए मेथड्स आ चुके हैं और हमको अपने डेफिनेशन को भी अपडेट करने की जरूरत है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने डेफिनेशन को भी अपडेट कर लीजिए और बढ़िया डेफिनेशन लिखिए नई डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें वो मीनिंगफुल बन जाता है दूसरे मेथड्स के आने से ये और ज्यादा मीनिंगफुल हो गया नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम हम लोग पर्चरे को थर्मल प्रोसेसिंग की तरह देखते हैं लेकिन नॉन थर्मल मेथड्स के आने से अब इस चीज को एम्फरसाइज करना जरूरी हो गया कि डेफिनेशन में भी इस डिफरेंस को आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और थर्मल प्रोसेसिंग का